देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज जब हम सुबह उठे और जो खबरें देखने में आई वो एक ही तौर पे जो छह सुर्खियां होती हैं बड़ी अहम होती हैं। आज हमारे माशरे में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, ये सारी चीज बड़ी काउंट करती हैं। और ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान ऐसे मुश्किल राह पे है, जब ऐसे दौराए पे है कि पाकिस्तान की मीशत यकीन तौर एक बड़ा सवालिया निशान बनी हुई है, एक ऐसा सिनेरियो जहां पे आज कोई गलत अफवाह, अफवाह तो वैसे ही गलत होती है, लेकिन कोई ऐसी अफवाह जो ये कह दे कि पाकिस्तान खुदा ना खासा डिफॉल्ट हो गया, तो ये अफवाह ही इतनी बड़ी होगी कि इसको आधे से ज्यादा पाकिस्तानी सच मान सकते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड पे रियलिटीज है वो ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन आज सुबह सवेरे जब हम उठे तो हमने देखा क्या, गुज़श्ता 12 से 24 घंटे में जो कुछ हुआ उसकी डेवलपमेंट आपको बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। 12 से 24 घंटों में जो छह सुर्खियां बनी वो ये कि फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार होते हैं या रिहा होते हैं, एक इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है। फिर चौधरी परवेज इलाही साहब की रिहाइशगाह, उसके ऊपर कौन चढ़ दौड़ा और कैसे पुलिस ने छलांगे लगा के उनके घर में घुस के उनको तलाश करने की कोशिश की। फिर शेख रशीद साहब की लाल हवेली के हवाले से भी इसी तरीके की इत्तला थी। गालिबन ऐसा मानो महसूस होता है कि उन दोनों रिहाइश गांवों पे कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स मौजूद थे जिसको शायद पुलिस तलाश करते करते वहां पहुंच गई थी। अगर वही मिल जाते तो हमारे लिए बेहतर होता, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इतनी पतली है कि एक दो बिलियन डॉलर अगर वहां से मिल जाते तो हमें कोई आसरा हो जाता। लेकिन ये सब ना हुआ, इत्तलात क्या आती हैं, खबरें क्या बनती हैं कि गिरफ्तारियां, इंतकामी कार्रवाइयां, इस तरह के मामले आते हैं। होना तो यह चाहिए था कि इस तरह की इत्तलात आती, इस तरह की छह सुर्खियां लगती हैं कि पाकिस्तान ने मल्टी बिलियन डॉलर डील साइन कर ली, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ी कामयाबी हुई और इसके दुनिया भर में उसके बारे में बताया जाता, IMF के हवाले से पाकिस्तान के मामले बेहतर हो गए। लेकिन ये कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में पे दर पे इजाफा, ये तमाम तर सूरत हाल इस बात की तरफ इशारा दे रही है और सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर इस हुकूमत का दरअसल किबला क्या है, ये हुकूमत अपने इस मुख्तसर से अरसे में आखिर अचीव क्या करना चाहती है और इस अचीव करने का रास्ता क्या होगा। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और यही सवाल रखेंगे। और आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ प्रोग्राम में बड़े खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तारीफ करना चाहूंगा जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब, सितारा जुरत भी हैं, सितारा इम्तियाज भी हैं। सर सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम और वेलकम टू द शो, इट्स बीन ऑनर टू इन्वाइट यू ऑन द शो। साथ में हमें ज्वाइन करेंगे इसी फील्ड से जनाब चौधरी नाटिक उबैद साहब, यकीन तौर पर आप उनको हमारे प्रोग्राम्स में देखते हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सो स्टार्टिंग द प्रोग्राम विद ब्रिगेडियर साहब, आपसे शुरू करते हैं, सीनियर हैं, आपने काफी कुछ देखा है और पाकिस्तान के काफी नशेब फराज आपने देखे हैं। सर इस वक्त सीधा सीधा सवाल यह है कि इतना कुछ हो रहा है, एक्चुअली व्हाट गवर्नमेंट इज आइंग टूवर्ड्स, गवर्नमेंट का किबला क्या है, गवर्नमेंट क्या देख रही है और गवर्नमेंट क्या सोच रही है? एक आम आदमी की नजर से देखूं, मुझे मईशत सबसे बड़ा मसला लगता है, मुझे एक आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए मामलात, महंगाई, बेरोजगारी एक बड़ा मसला लगता है। शायद गवर्नमेंट के लिए मुझे ये मसला ही नजर नहीं आता, गवर्नमेंट के लिए सियासी इंतकाम, सियासी इंतशार शायद यही एक तरजीहात में नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू मुनीर साहब, हम तो बड़ा नाचीज किस्म के बंदे हैं, आपने बहुत तारीफ कर दी। देखें पॉलिसीज जो होती है गवर्नमेंट की वो उसी सूरत में बनती हैं व्हेन दे देयर इज अ कोहेसिव अप्रोच टू सॉल्व ए प्रॉब्लम विद इन द गवर्नमेंट। मौजूदा जो गवर्नमेंट का सेटअप है इसका मसला ये है कि ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है और इसमें जितने पार्टनर्स हैं ऑल हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज फ्रॉम ईच अदर, किसी एक की मुताबिकत नहीं रखते, जिसकी वजह से जो फैसले हैं मेरे आई मे बी रॉन्ग वो वन मैन शो फैसले हैं। कोई बंदा फैसला करता है चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर करता हो या फॉरेन मिनिस्टर करता हो, वो फैसले खुद ही कर लेते हैं, कोई इसमें कोहेसिव थॉट प्रोसेस प्लानिंग नहीं या प्लानिंग मैं नहीं समझता गया है। क्योंकि उसका देखें प्रूफ ये है कि अगर एक फॉरेन ऑफिस फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट देता है तो दूसरी तरफ से फॉरेन ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ऐसे नहीं ऐसे है। और ये एक बड़ी ही मतलब हमारे लिए परेशानी है कि इस सिलसिले को एक ही तरीके से हल हो सकता है कि आप इलेक्शन कराएं, कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए, किसी की भी आए एग्जैक्टली,
तो वो एटलीस्ट उसके पास एक मैंडेट होगा और वो जो एक कोहेसिव पॉलिसी बनाएंगे एंड देन लोगों को भी ट्रस्ट होगा, इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनको भी ट्रस्ट होगा, बाहर की गवर्नमेंट्स को भी ट्रस्ट होगा कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाले लोग हैं। अब ये भी नहीं पता कि आज मनीर साहब हैं कल नहीं होंगे, बिल्कुल सही, तो फिर वो उसकी क्रेडिबिलिटी किसी डिसीजन की डाउटफुल हो जाए। और अगेन इस पर ये ऐड कर दिया जाए कि कम से कम 3 महीने या 4 महीने बाद तो इस हुकूमत को वैसे भी घर जाना है, इसके बाद एक फ्रेश इलेक्शंस होने ही हैं, तो फिर शायद ट्रस्ट करना या कॉन्फिडेंस बिल्ड करना और मुश्किल हो जाता है ना। देखिए मैं पीछे जलाए 71 में जाता हूँ, आई वॉज द इन्वॉल्व्ड प्लेयर इन 1971 प्रायर टू इलेक्शंस इन ईस्ट पाकिस्तान, आई वॉज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नवाखली डिस्ट्रिक्ट and I got the elections conducted. I know kitni rigging hui thi because we had no force to check that. Awami League ne ek pura kabza kiya hua tha bureaucracy pe aur pure nizam pe us waqt wahan pe. To baharal jo bhi tha result, ek majority party emerge hui thi. Us waqt bhi we acche the, बुरे थे, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। जमहूरियत में एक प्रिंसिपल है कि आप मेजॉरिटी को कहते हैं आप फॉर्म करो गवर्नमेंट, और उस वक्त प्रेसिडेंट याया ने अनाउंस भी किया कि जी मजीब विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद वो रिजाइल कर गए उसे, और उसके बाद उसका नतीजा ये हुआ कि ऐसा एक टर्मोइल हुआ लीडिंग टू द सिविल वॉर एंड ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान। और खुदा ना खास्ता जो आज कुछ हो रहा है, आप भी अना की जंग है ना, कुछ ज्यादा फर्क आप इंडियन टीवी को सुने, जितने चैनल हैं या उनका सोशल मीडिया है, सुबह शाम ये कह रहा है कि पाकिस्तान ब्रेकअप हो रहा है, पाकिस्तान ब्रेकअप हो रहा है। हमारे लोग सुनते हैं ना, उनके अंदर एक डिप्रेसिव स्टेट तो क्रिएट हो रही है ना, उसको कोई काउंटर नहीं कर रहा। तो सर कैसे करें, चलें आप मुझे बताएं, आज आपने भी अखबार पढ़ा होगा, आपने कल का भी पढ़ा होगा, आप मुझे कोई एक पॉजिटिव हेडलाइन बता दें या कोई एक पॉजिटिव जेस्चर बता दें हुकूमत का जिसमें कहूं कि नहीं आज मैंने कोई इंट्रोडक्शन में जो बात की, इसका जवाब मुझसे बेहतर तो चौधरी साहब दे दें, चौधरी साहब से भी लेंगे सर, लेकिन मुझे बताएं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जो बात होती है, आज खुदा ना खास्ता जिस स्टेट ऑफ इकोनॉमी में हम हैं, आज एक अफवाह अगर फैल जाए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो क्या पैनिक सिचुएशन होगी, और ये अफवाह मानने में मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है, आई मे बी रॉन्ग, पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं कर सकता, इंशाल्लाह नहीं करेगा। उसकी वजह मैं बताता हूं, आपकी 70% इकोनॉमी अंडर द टेबल है, और आपकी ये जो नजर आता है 3 बिलियन और 3.5 बिलियन, ये आपकी 15-20% है। अगर लोगों के पास पैसा नहीं है, आपकी दुकानें खाली होनी चाहिए, आपके पेट्रोल पंप पे कोई बंदा नहीं होना चाहिए, आपके रेस्टोरेंट खाली होने चाहिए, आप ग्रोसरी स्टोर खाली होने चाहिए, आप वहां चले जाएं आपको खड़ा होने की जगह नहीं मिलती, बिल्कुल सही। तो दैट मीन द पीपल स्टिल हैव द मनी, एग्जैक्टली, एट वो मनी दे आर यूजिंग इट, और उसी में आपका ये सारा, अब मसला जहां आ रहा है ना वो है ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रियल सेक्टर का, उसको सपोर्ट नहीं मिल रही, आप उसको बिजली नहीं दे रहे तो इंडस्ट्री बंद हो रही है, आप उसको गैस नहीं दे रहे, 21% पे आप ले गए हैं मार्कअप रेट, उस पे बैंक अपना मिला, आपके 26% पे कौन सी इंडस्ट्री चल सकती है, मैं 50% कमाऊं तो 26% दूंगा, वरना तो मैं दे ही नहीं। Exactly. नतीजा ये है, बट मैं आई हैव बीन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ 5 लीडिंग कंपनीज, माजदा पाकिस्तान, मशीन टूर, गंदारा निसान, गंदारा निसान डीजल, गंदारा कमास, ठीक है, एडवाइजर टू सदीक सन्स, एडवाइजर टू दीवान यूसुफ ग्रुप, बड़ी बड़ी कंपनियां इंडस बंद, उन्होंने 15-20 दिन के लिए बंद कर दिया है, सुजुकी ने पहले बंद कर दिया था, निसान ने बंद कर दिया है, कैसर बंगाली ने अपना लोचस्तान डील बंद कर दिया है, और 15 और यानी बड़ी बड़ी बिग नेम्स व्हिच एक्चुअली सरेंडर्ड ड्यू टू द सिचुएशन। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं और जरा ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो हुकूमत के किबले की हम बात कर रहे हैं अगर दुरुस्त नहीं है तो इसकी आखिर वजह क्या है और हुकूमत चाहती क्या है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं
द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। जरा तस्करा हो रहा है कि इस वक्त हुकूमत की तरजीहात क्या है। मईशत यकीन तौर पर एक ऐसा मसला है जो हर खास आम को अफेक्ट कर रहा है, और आम आदमी के लिए तो यकीन तौर पर इस वक्त जो बढ़ती हुई महंगाई है और ये महंगाई की जो शरह है, इसके लिए एक बड़ा चैलेंज है एक आम आदमी के लिए। लेकिन हुकूमत, जैसे कि हमने कहा कि हुकूमत फिलहाल किसी और मोड में नजर आती है। हुकूमत इस वक्त तरजीहात जो हुकूमत की बजाय नजर आती हैं वो ये कि किसी तरीके से अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर सबकत हासिल कर सकें। पंजाब का जो सूबा है वहाँ पे पुलिस गिरफ्तारियों में मुलव्वस है, तो वही अनफॉर्चुनेटली केपीके के जो सूबे में पुलिस के हमारे जो जवान हैं वो शहादत की तरफ बढ़ रहे हैं, और यकीन तौर पे एक बड़ा मुश्किल वक्त है जो पाकिस्तान में इस वक्त देखने में आ रहा है। नातिक साहब, दैट इज अगेन अस क्वेश्चन कि क्यों गवर्नमेंट इसका टैकल नहीं कर पा रही अभी तक। थैंक यू मुनीर, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। देखिए मुनीर, हमें कुछ देखना होगा, समझना होगा। अगर आप पुलिस की बात करते हैं और हम ये टेररिज्म की बात करते हैं, लॉर्ड ऑर्डर सिचुएशन की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट जैसा ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि क्योंकि वो कोलिजन गवर्नमेंट है और कोई यूनिजन डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही, सब इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर डिसीजन मेकिंग हो रही है। वो हमारे घर में एक कहावत बड़ा अक्सर कही जाती थी कि जी मैं भी रानी तू भी रानी कौन भरेगा घर का पानी, तो ये वाला हाल है। वो बिलावल भुट्टो जाते हैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर तो वो अपना बयानिया दे के आते हैं, मरियम बीबी अपना बयानिया दे रही होती हैं, तो वो इस तमाम खिंचपैंच में जो है ना गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग जो है वो हैम्पर हो रही है। अब जहाँ तक पुलिस और टेररिज्म और इसकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात है, तो केपीके में 10 साल एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रूल करती है, और 10 साल में जब हम पिछले 4 साल में हमने ये सुनते रहे कि जी केपीके की जो पुलिस है वो बड़ी एडवांस हो गई है और बड़ा उधर जो है वो आईटी जो है उसका की मूवमेंट हो गई है और टेक्नोलॉजिकल बेसिस के ऊपर जो है वो एडवांसमेंट पे जा रही है, बट उसकी कुल्ली आज खुलती है कि पिछले साल जितनी शहादतें हुई टेररिज्म पे और पुलिस की, वो एक इंसिडेंट में पूरी हो गई। पिछले साल जितने लोग शहीद हुए थे हमारे, वो एक एक इस इंसिडेंट में वो काउंट जो है वो पूरा हो गया। पुलिस की ट्रेनिंग नहीं है, पुलिस की मैनेजमेंट नहीं है। अगर आप पुलिस डिफरेंट आप जो हम केपीके की बात करें, इट्स नॉट एन इंटरनल इशू ना, वहां तो वो कहा जा रहा है जो दहशत गर्द है या दहशत गर्दी है वो तो अक्रॉस द बॉर्डर हो रही है ना, वो तो सरहद के उस पार से पाकिस्तान में आ रही है, तो सरहदी मामला तो किसी और सरहद के उस पार से जो आ रही है तो वो आ रही है, वो एक अलग चैप्टर, बट आ तो रही है ना, उसको डिनाई तो नहीं किया। मैग्नीट्यूड में नहीं आ रही, आपने सपोर्ट तो वहीं से है। देखिए सपोर्ट अगर सपोर्ट अफगानिस्तान से नहीं है तो फिर मैं कहूँ कि नहीं इंटरनली सब कुछ। आपको पता है कि टीटीपी ने इस इंसिडेंट को डिनाई कर दिया कि उन्होंने नहीं किया। अच्छा, अगर अगेन चलें ठीक है, डिनाई हो गया, हमारा इस पर बयान ये है कि टीटीपी जो है वो अपना उनका बेस कैंप जो है अफगानिस्तान में है, वहां से वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं और यहाँ पे छापामार कार्रवाई करके फिर वो डिस्पर्स हो जाते हैं, तो टीटीपी ने डिनाई कर दिया। सही है, ठीक है। आईएसआईएस इसको अपने वेब के ऊपर जो है वो एक्सेप्ट करती है, और उमर खालिद खुरासानी के जो फॉलोअर्स हैं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं कि जी हमने ये किया है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में बसे हैं 10-15 सालों के अंदर आके वापस, ठीक है, ठीक है। जब हमने इनको, हमारी मिलिट्री फोर्सेस ने इनको किक बैक कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया था, उसके बाद इनको जब टेबल टॉप पर बैठाया गया, इनको वापस लाके जो है इधर बसाया गया, उनको कहा गया कि जी इनको पॉलिटिकल जो है वो दी जाए और इन पे नरम हाथ रखा जाए, तो वो आके यहाँ पे ठहरे, उन्होंने अपनी जो है वो कमीन गाहें बनाई है यहाँ पे आके, ठीक है। आपने देखें आर्मी जो है उसका रोल बहुत डिफरेंट है, ये अर्बन वॉरफेयर आर्मी की जो है टैक्टिक्स का हिस्सा नहीं है, ये पुलिस और बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनका काम होता है कि वो जो है इस चीज को जो है वो काउंटर कर सकें। अगर आप पंजाब पुलिस और केपीके पुलिस को अगर आप कंपैरिजन करें तो जमीन आसमान का फर्क है। पंजाब पुलिस की अपनी स्पेशल फोर्सेज हैं, उनकी जब उनकी मूवमेंट होती है तो उनके पास जो है वो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, आर्मर पर्सनल कैरियर्स हैं, उनके पास फोरेंसिक लैब है। केपीके ने 10 साल 15 साल 20 साल में कुछ नहीं किया, डेफिनेटली इसके बारे में शायद केपीके पुलिस ही बता सकती है। जो बजट उनका जो रिलीज होता है वो बजट सिर्फ तनख्वाहों के लिए रिलीज होता है, उनकी कोई स्पेशल फोर्सेस। लेकिन एक सवाल फिर मेरा यहीं पे, हमने एपीएस वाला वाकया देखा था, उसके बाद हमने एक चीज देखी थी
कि पूरी कौम एक प्लेटफॉर्म पे एक जा हो गई थी। पूरी कौम का एक ही मिशन था उस वक्त कि किसी तरीके से इस दहशतगर्दी को एलिमिनेट किया जाए, इरिस्पेक्टिव वो किस सूबे में है, किस खित्ते में, किस शहर में, किस गांव में, किस देहात में, किस बॉर्डर पे। एक यूनिफॉर्म एक्शन उस वक्त पूरी कौम ने दिखाया, सियासतदानों ने भी उस वक्त मैच्योरिटी का इजहार किया। आज अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, हमने किसी भी तौर पे कोई यूनिफॉर्म एक्शन की बात की, हमने इसके ऊपर पार्लियामेंट में कोई एक मेगा डिबेट की बात की। आपने कहा कोलिशन गवर्नमेंट है, ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कोलिशन गवर्नमेंट है, हैंडीकैप हो जाते हैं, फैसले नहीं कर पाते। लेकिन ये कोलिशन गवर्नमेंट जब अपने नैब के मामला होते हैं या अपने केसेस की बात होती है तो दे सीम्स टू बी ऑन अ सेम पेज। वहां पे उनके उनके इश्यूज नहीं आते, वहां पे उनके कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते, वहां पे वो एक ही जगह पे स्टैंड करते हैं। लेकिन आवाम की बात आती है तो आप देखें ना, इसके ऊपर एक नेशनल एक्शन की जरूरत थी ना। मैं बात काट रहा हूं, देखिए कोलिशन गवर्नमेंट तो है, हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है जो हम फॉलो करते हैं उसमें एक गवर्नमेंट होती है और उसमें दूसरी जो है वो बैठे होते हैं, क्या कहते हैं जी उसे, ऑपोजिशन। ऑपोजिशन बैठी थी, ऑपोजिशन तो आई नहीं है आपकी, ऑपोजिशन तो सोशल मीडिया सेल चला रही है, ऑपोजिशन जो है वो ऑन पेपर तो है मौजूद है ना सर, पार्लियामेंट में जो है ना सर। एपीएस के इंसिडेंट के बाद अक्रॉस द बोर्ड जो है सब बैठ के उन्होंने एक यूनिट इन्विटेशन कौन देगा, इनवाइट कहां से आएगा, इट शुड बी फ्रॉम द गवर्नमेंट। इनविटेशन दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा, मैं इस पॉइंट पे इस ये कहता हूं कि इस वक्त भी दोबारा से हमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज को यकजा करना चाहिए। ये काम पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी, बिल्कुल सही है, और कोई नहीं करेगा, और खुद करना पड़ेगा, और अगर कहीं और किसी और ने किया तो फिर ज्यादा फिर तकलीफ होती है। ठीक है, सब आके बैठे और इस मामले को यूनिफाइड तरीके से जो है वो डिसीजन करें। अगर पीटीआई नहीं आती है तो वो अपने आप को एक्सपोज करेगी, एग्जैक्टली बट सर कोई नहीं आता वो तो फिर बैठना पड़ेगा और इस बात पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें इस टेररिज्म के खुराफात से निकलना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी केपीके के अंदर जो है जो बेसिक इशू है वो ये है कि जो वहां की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पुलिस है, एफसी है, वो डिप्रेस्ड है, वो परेशान है, क्योंकि जितनी टारगेट किलिंग बीच में हुई है उनकी गवर्नमेंट ने, केपी के गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट नहीं किया। अगेन फिर मैं, क्योंकि केपी की गवर्नमेंट का या तरीके से साफ है या रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोट अनकोट मैं ये बता सकता हूं, लास्ट सिक्स मंथ से मुराद सही साहब के बहुत से स्टेटमेंट्स और केपी की गवर्नमेंट के ऐसे बहुत से स्टेटमेंट्स हैं कि दे आर फेसिंग द थ्रेट अलर्ट। जो अफगानिस्तान की जो साथ जो फेंसिंग हुई है उसके हवाले से खान साहब के खुद से ऐसे बहुत से स्टेटमेंट्स जो ऑन रिकॉर्ड है उसके ऊपर मैं आते हैं। लेकिन ब्रिगेड साहब ये जो इस वक्त कहा जा रहा है ना, कौन सर, इज देर एनी फॉर्मूला टू यूनाइट दीज पॉलिटिकल पार्टीज फॉर अ नेशन। मैंने कोई 10-12 साल टेररिज्म को डील किया एज ए डायरेक्टर। सही, पहली बात तो है कि मेरा व्यू डिफरेंट है, आप एग्री करें या ना करें। टेररिज्म को काउंटर करना पुलिस का काम है ही नहीं। सही, पुलिस का काम है टू पुलिस द पब्लिक, लॉ एंड ऑर्डर ना, लोकल लेवल पे। बिल्कुल, दुनिया में कहीं चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, अमेरिकाज में चले जाएं, टेररिज्म के लिए जो फोर्सेस हैं दे आर सेकंड लाइन फोर्सेस, दे आर ट्रेन्ड फॉर दैट। हमारे यहाँ वो सेकंड लाइन फोर्स है रेंजर्स या स्काउट्स, दैट इज द फोरम जिसको हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अब आप पुलिस से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको बख्तर बंद गाड़ियां दे रहे हैं, ये मैं इसका मुखालिफ हूँ। जब मैं यहाँ था 80s में, आई अपोज्ड इट कि हम पुलिस को ये चीजें नहीं दें, दे आर नॉट मेंट फॉर देम। एग्जैक्टली, और फिर वो लाहौर मॉडल टाउन सानिया और इस तरह के बड़े सारे इंसिडेंट जिन्हें बख्तर बंद गाड़ी हुए नॉट देयर। हमने फिर कोशिश की, हमारे कुलीग थे, आप मुझे यकीन नहीं वो हयात है या नहीं, वो कमांडो ऑफिसर थे कर्नल सईद, वो DIG, उनको लगाया गया कराची में ट्रेनिंग के लिए। लेकिन देखिए, पुलिस को हमें सिर्फ यूज करना चाहिए फॉर लोकल मैनेजमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल सही। और टेररिज्म के लिए, अब टेररिज्म मैंने तीनों फॉर्म में देखा। इस पाकिस्तान में जब हम थे तो वहाँ इंडिया ने बहुत एक्सटेंसिव टेररिस्ट एक्टिविटीज की थी हम लोगों के खिलाफ, ब्रिजेज उड़ा देते थे, कम्युनिकेशन सेंटर उड़ा देते थे, मसलन वो आते थे एक वहाँ पे विलेज जिसको बाड़ीज कहते हैं, तो बाड़ीज में आते थे, 25-30 लोगों को मार दिया, फिर ऑल इंडिया रेडियो और TV कहता था पाकिस्तान आर्मी ने मार दिया। तो फिर हमने काफ़ी उनको काउंटर भी किया, हमने उनको एम्बुश करते थे, उनके बैजेस ऑफ रैंक को हम डिस्प्ले करते थे कि ये इंडियन है।
तो वो एक और दौर था। फिर दूसरा दौर जो टेररिज्म का आया है वो आया है सीरिया से, इराक से। वहां पे जो खुदकुश हमला का, उसकी इब्तदा तो रखी थी श्रीलंका से, जब तामिल ने शुरू किया था सुसाइड बॉम्बिंग, वहां से फिर इट केम टू इराक, अफगानिस्तान, और फिर वो स्प्रेड करता गया। और तीसरा दौर अब जो आया है वो इंटायरली डिफरेंट है, उसमें टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब टेररिस्ट के पास छोटे ड्रोन्स भी हैं। यस, दे कैन यूज द ड्रोन्स अगेंस्ट यू, वो वहां आके आपके कमरे में इधर ब्लास्ट कर देगा। तो हमारे जो काउंटर टेररिज्म की फोर्सेज है, दे ऑट टू बी फर्स्ट टेक्नोलॉजी वाइज दे शुड बी अपडेटेड, थ्री उनका सोल वर्क ही एंटी टेररिज्म होना चाहिए, थर्ड उनकी ट्रेनिंग, फोर्थ उनकी रिसोर्सेज। जहां तक आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को बढ़ा गए, तो जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके पास नेशनल एक्शन प्लान है, उसको इम्प्लीमेंट करें आप। और क्यों नहीं किया जा रहा नेशनल एक्शन प्लान? तो वीकनेस ऑफ द गवर्नमेंट है ना, उसको बाहर से तो नहीं करेगा ना। ये मैं इसी के ऊपर नाथिक साहब आपसे भी सवाल पूछूं। आपने भी कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को बैठने की जरूरत है, ब्रिगेड साहब हैज अ डिफरेंट ओपिनियन, लेकिन वो बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं कि वी ऑलरेडी हैव अ पॉलिसी पेपर जिसके ऊपर मजीद इंप्लीमेंट ही करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं। सर मुझे एक बात बताएं, ऐसे सिनेरियो में जहां पे पंजाब में इस वक्त आपकी जो गवर्नमेंट है अपने पॉलिटिकल अलाइज की गिरफ्तारी में मुलव्वस हो, उनको पकड़ने में मुलव्वस हो, आपके सहाफियों को उस वक्त मुश्किलात का निशाना बनाया जा रहा हो, आपको लगता है कंसेंसस बिल्ड करने में गवर्नमेंट की किसी के तौर पे संजीदा नजर आती है, इस वक्त आपको नजर आ रहा है? देखें, मैं बार बार इस पॉइंट पे आता हूं कि गवर्नमेंट ये पूरी मशीनरी सीरियस नहीं है। जो मैं उस वक्त बोल रहा था, ये पूरी मशीनरी सीरियस नहीं है। इनका सीरियस ना होना या इनका कमजोर कोलिशन, तो भुगतान तो आवाम का हो रहा है। हम भुगत रहे हैं, देखिए अल्टीमेटली हम भुगत रहे हैं, मुल्क भुगत रहा है, बट ये पूरी मशीनरी सीरियस नहीं है। वो उनको ब्लेम करते हैं, वो एट द टाइम जब टेररिज्म के वेव स्टार्ट हो गए उन्होंने हुकूमतें छोड़ दी। तो ये दोनों पार्टियां दोनों तरफ, मतलब मैं एक दो पार्टी ये पूरा जो कुंभा है ना, ये पूरा कुंभा हमें लेके डूबेगा। इस पूरे कुंभे ने सर हम फेस ही करेंगे सर, ये म्यूजिक हमने फेस करना है, किया उनका धरे हम, देखे कब तक जाएंगे अगर इजाजत। जी जी सर, आपको इजाजत क्या जरूरत है? जो चौहान साहब ने बात की, मैं उसे आगे ले जाता हूँ थोड़ा सा, उसी को आगे ले जाता हूँ। बात यह है कि ये जो कुछ हो रहा है ना, उसका सारा फ्लैग एज ए वेटरन यस हमारी फौज पे आ रहा है, क्योंकि जो आप कॉमन आदमी, सर आप क्या कर रहे हैं? मैं उसको कहता हूँ भाई, मैं तो रिटायर्ड आदमी, मैं क्या करूंगा, मैं तो ज्यादा से ज्यादा लिख सकता हूँ, मैं लिखता हूँ, yes. इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इट इज दी एक्चुअली द रिजॉल्व ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर जिसने करना, yes. और वो दूसरी चीजों से निकल के एक तरफ आए, एक तरफ आए, और इसको एज ए पॉलिसी सीरियस हो जाए। तीन चीजें हमारे थ्रेट हैं इस वक्त, फर्स्ट टेररिज्म, फर्स्ट इज इकॉनमी, सेकेंड इज टेररिज्म, थर्ड इज पोलराइजेशन जो माशरे में आ गई। बिल्कुल सही है। तो इन तीनों को हैंडल किसने करना है? माइंडसेट को गवर्नमेंट ने चेंज किया। और एक चीज ऐड कर दूं, ब्रिगेड साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आपने कहा ना आपके इदारे पे आती, आपके इदारे पे बताता हूँ आती क्यों। बिकॉज कहीं ना कहीं एज पाकिस्तानी, एक कॉमन पाकिस्तानी, जब कोई मुश्किल होती है ना, तो हम उस इंस्टीट्यूशन की तरफ देखते हैं, बिकॉज उस इंस्टीट्यूशन की एक लेगेसी है, उसका एक प्राइड है, जिसको हम हर पाकिस्तानी अपने सीने में सजाता है। और यही वजह है ना कि हम उससे तवक्को कर रहे होते हैं, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें ना, वहां तो एक दूसरे की गिरेबान पकड़े जा रहे हैं, एक दूसरे की चादर चाट रहे हैं। मुझे जो परेशानी है ना, मुझे जो एज ए वेटरन मुझे जो परेशानी है, हमारा वक्त तो गुजर गया, अब पता नहीं कल है या नहीं है, लेकिन जो हमारा यूथ है उसमें एक बड़ा डिप्रेशन आता जा रहा है। अब एक सोल्जर जो बैठा हुआ है, ही इज लूजिंग विल टू फाइट, यस, जो मुझे परेशानी है। सर इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट, इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग स्टेटमेंट, दिस इज वेयर आई फील वरीड। मैं आई हैव बीन द सेक्रेटरी एंड द मेन रीजन, इसका रीजन भी ऐड कर देना जो आपने कहा विल टू फाइट जो मिस हो रही है, उसका रीजन भी तो बताया ना। रीजन तो मैं बता रहा हूँ, ये पोलराइजेशन, ये जो जो
प्रोलॉन्ग जो ये चल रही है एक दूसरे के ऊपर भुगतान खत्म कर रहे हैं इसको आगे चलने आर्मी। देखें हम बार बार नेल्सन मंडेला की मिसाल देते हैं, हम सिंगापुर की मिसाल देते हैं, वहां पे वन मैन रूल था, उन्होंने डंडा चलाया और ठीक कर लिया। बिल्कुल सही। हम आसियन की मिसाल मैं आपको देता हूँ, आसियन में क्या हुआ था, बहुत गड़बड़ रही 20-15-20 साल, एवेंचुअली दे सेट डाउन, इंडोनेशिया ने कहा कि ठीक है एज ए बिग ब्रदर आई, ये हमारे जो सॉवरन क्लेम है फिलहाल इसको रखें, इधर हम रखते हैं एंड लेट्स वर्क टुगेदर। और आज कल आसियन कहाँ है, हमारा रीजनल भी जो है ना, इंडिया जो है लेट मी से, उन्होंने तो पहले दिन से ये कहा था कि पाकिस्तान शुड नॉट एग्जिस्ट मोर देन 6 मंथ्स और दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग ऑन दैट। ये है, इसके ऊपर मैं आता हूं, लेकिन मैं आता हूं, सब चाहूंगा इसके ऊपर आप ऐड कर दें पहले, फिर मैं इंडिया वाले इशू के ऊपर भी जाऊंगा। ये जो ब्रिगेडियर साहब ने बात कही ना, आप मुझे जरा बताएं इस जो सिनेरियो है, हमारे पास कोई गलत कदम उठाने की गुंजाइश नहीं मौजूद है इस वक्त। अपेरेंटली नजर ये आ रहा है कि अगर आपकी जो पॉलिटिकल एलीट है अगर वो वाइज डिसीजन नहीं ले रही, जिसका यकीन तौर भुगतान आपको और मुझे हो रहा है, आम आदमी को हो रहा है, तो हु इज गोइंग टू स्टेप फॉरवर्ड और इन लोगों को साथ बिठाएगा या बताएगा कि साथ बैठ जाओ क्योंकि वक्त जा रहा है, वक्त है नहीं हमारे पास। इसमें भी मैं और आप ही उठेंगे और ये काम करेंगे तो ये चीज चेंज होगी। मैं ये डिफरेंट फोरम पे, ये मेरा अपना जाती वो है, ठीक है। अब हमें शहबाज शरीफ साहब आपकी मेरी बात सुने थोड़ी, वो तो जिनकी सुनेंगे मास जब खड़ी होती है ना, जब मास क्रिकेट साहब ने पोलराइज कर दिया गया, उनको बांट दिया गया, उनको तस्लीम कर दिया गया। पोलराइजेशन देखिए कब तक आप पोलराइज होते रहेंगे, 71 में आप पोलराइज हो गए, आप उससे पहले भी होते रहे, उसके बाद भी होते रहे, कराची में होते रहे, आपका जो मसला है ना, पाकिस्तान हैज ए यूनिक, हमारी खुशकिस्मती भी है और बदकिस्मती भी और बदकिस्मती के हैव ए यूनिक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, वी आर ए फल्क्रम बिटवीन द 3 बिग पावर्स। एग्जैक्टली, एक तरफ चाइना है न्यूक्लियर पावर, एक तरफ रशिया है न्यूक्लियर पावर, एक तरफ इंडिया है न्यूक्लियर पावर, हम खुद भी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन तीनों पावर्स जो हैं वो कोशिश में हैं कि किसी तरीके से वो पाकिस्तान को टेम कर सके फॉर देयर ओन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, और ये बैलेंस को रखना ही हमारी डिप्लोमेसी का कमाल होगा, विच अनफॉर्चुनेटली अभी बिलाल भुट्टो साहब के जो रशिया के हवाले से जो मामला था उसमें भी किया गया। प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई, उसके ऊपर बात करेंगे कि इस वक्त हिंदुस्तान जो दिफाई बजट में जिस अंदाज से इजाफा कर रहा है, जो इस वक्त जंगी जुनून सवार है इस वक्त हिंदुस्तान के सर पे, आखिर इसकी वजह क्या है? कहा तो ये जा रहा है हिंदुस्तान की जानिब से कि तमाम तर इकदाम चाइना की वजह से किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं इसकी आड़ में निशाना कोई और को बनाने की काम कोशिश नहीं की जा रही, इसके ऊपर बात करेंगे। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन, आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा था कि हिंदुस्तान ने किस तरीके से अपने डिफेंस बजट में एक बड़ा इजाफा किया, हिंदुस्तान का जो जंगी जुनून है वो यकीनी तौर पर किसी से ढका छुपा नहीं और आलमी दुनिया इस तमाम सूरत हाल से बखूबी वाकिफ भी है, लेकिन सबके बावजूद हिंदुस्तान ने अपने डिफेंस बजट में एक बड़ा इजाफा किया। अगर इंडियन एनालिस्ट की बात करें या इंडियन पॉलिटिशियंस की बात करें तो उनका कहना तो ये है कि ये तमाम तरह जो इकदाम हैं वो पेशगी इकदाम हैं क्योंकि चाइना से उनको एक बड़ा थ्रेट है, लेकिन क्या चाइना के हवाले से ये सारे मामला किए जा रहे हैं? ये दरअसल ये खत्ते के जो तनासुब है, जो बैलेंस है, उसको बिगाड़ने का एक जरिया बनेगा। नाथिक साहब, ये जो सारे मामलात हो रहे हैं, अगेन इंडिया ने हमेशा से एक बड़ी स्पेंडिंग की है अपनी बजट्स के ऊपर डिफेंस के अदवार से, और कंपैरेटिवली पाकिस्तान ने इस हवाले से काफी रिस्ट्रेंट शो किया कि जो दिफाई बजट है उसको किसी हद तक कंट्रोल किया जाए। ये जो इतना एक्सेस यूज ऑफ बजट है, ये इस पूरे रीजन को किस हद तक इम्बैलेंस कर देगा? देखिए जी, आपको मैं बताऊं कि इंडिया ने बजट के साथ साथ अपनी जो हार्डवेयर है, अपनी जो मोबिलाइजेशन है मिलिट्री फोर्सेस की, वो आपके बॉर्डर पे फुल फ्लैश लगा के रखी हुई है, ठीक है। और ये कोई आज से नहीं, इट्स बिन लाइक 3-4 ईयर्स जिसमें उसने ये सारी प्लानिंग करके जो है अपनी स्ट्रेटिजिक जो मूवमेंट है वो उन्हें कम्प्लीट कर लिया, बजट बढ़ा के वो मजीद उसके ऊपर सोने पर सुहागा करेंगे।
अब बात यह है कि ये चाइना के लिए है या किसी और के लिए है, पाकिस्तान इस इंडिया इस वक्त एक वो गिद्ध है जो आपके मरने का या आपके बेहोश होने का, आंखें बंद करने का इंतजार कर रहा है कि आप आंखें बंद करें और आपको चीर फाड़ करके खा जाए। इस वक्त जितने भी ये प्रोपेगेंडा सेल्स जो है जब बस्ट किए जाते हैं तो उनका जो ट्रेल निकलती है इंडिया या कहीं इंडिया से रिलेटेड किसी और जगहों पे, तो उन्होंने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करके आपको, जो आप पोलराइजेशन की बात कर रहे थे कि हम पोलराइज हो गए हैं, तो ये हम पोलराइज तो इंडिया भी कम नहीं है। देखिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना पहले, कि हम इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज हम हुए हैं, टेररिज्म की वेव हम भुगत रहे हैं, तो इस पर हम अपनी बात कर लें। तो जो है उसने आपको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी इंगेज करके रखा हुआ है और अपने वो जो है जो उसके हैं वो अचीव कर रहा है, ठीक है। अब वो अपना बजट इंक्रीज करके अपनी फोर्सेस को लगा के अब वो दे दिया, जस्ट वेटिंग फॉर यू कि आप कब अपने आप हथियार डालें और आपस में लड़ें और वो आपको। ब्रिगेड साहब, इज इट अ साइन टू वरी फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान को सवाल से इंडिया ने बजट बढ़ा दिया इतने बिलियन डॉलर्स हो गया? नहीं, वरी तो है। मैं पिछले काफी 5-4 महीने से मैंने एक वीलॉग भी आपको, द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिया, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिया, वो जो बजट उन्होंने बढ़ा रहे हैं ना, वो जो उनके पहले CDS थे रावत, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दी थी थिएटराइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी। थिएटराइजेशन का मतलब नॉर्दर्न कमांड, मिडल कमांड, सदर्न कमांड, और वो कमांड टोटली इंडिपेंडेंट विद ऑल पैराफर्निलिया, एयरफोर्स, नेवी, ये वो अला बला, और उनके अंदर विद इन दैट कमांड वेरी मोबाइल कॉम्बैट ग्रुप्स, कॉम्बैट जो के पेनिट्रेट करें एनिमी में, कैप्चर एरियाज एंड इंश्योर द फॉलो अप ऑपरेशन वगैरह वगैरह। ये लंबी बात है। रावत की डेथ के बाद अब जो नया CDS आया है, दे हैव ए डिफरेंट अप्रोच नाउ, और ये जो बजट भी बढ़ा है उसमें जो 3 चीज़ें वो कर रहे हैं, एक तो उन्होंने कोल्ड स्टार्ट को रिवाइव कर दिया, सही। दूसरा ये है कि वो अपना जो थिएटराइजेशन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, सही। उसको वो उनको थोड़ा सा झटका लगा है चाइनीज से। चाइनीज ने पिछले साल एक दिन उनका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम फ्रीज कर दिया था, ये शायद आपके मीडिया में नहीं आया। बिल्कुल ठीक। अगर आप थ्रू सैटेलाइट स्पेस वॉरफेयर इट इज नाउ, अगर आप से मेरा सारा कंप्यूटर सिस्टम ब्लॉक कर दें तो मेरे बैंक बंद हो जाती है, एयरलाइन बंद हो जाती है, रेलवे बंद हो जाती है, ट्रैफिक बंद हो जाती है, कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, तो जो फोर्सेस हैं आगे लड़ने वाली है वो तो ब्लैंक हो गई, कम्युनिकेशन ही कोई नहीं। व्हाट इंडिया इज डूइंग, वो एक तो उन्होंने बीका एग्रीमेंट किया है अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी का, दूसरा दे है, मैंने इस पे बड़ा एक आर्टिकल भी दो लिखे कि जापानीज के साथ उनके तल्लुकात बहुत अच्छे, डीपली डिफेंस स्ट्रेटेजिक होते जा रहे हैं, सही है। उसमें वो दो मोदी साहब का विजिट भी हुआ और वो जापान से 2 चीजें ले रहे हैं, एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन टू काउंटर दी चाइनीज, टू फ्रीज यानी कम्युनिकेशन वॉर में द एनिमी एंड ऑल्सो हेल्प इन द स्पेस वॉर। और इसी सिलसिले में वो आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट फैक्ट्री ऑफ चिप मेकिंग इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, सही। सो ऑल दीज थिंग्स आर टू प्रमोट, फर्स्ट रीमॉडिफाई द इंडियन आर्मी फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइटिंग मोड से निकाल के उनको स्पेस मोड, कम्युनिकेशन मोड, साइबर वॉरफेयर मोड एंड स्विफ्ट यानी कंबाइंड एयर आर्मर आर्टिलरी मोड उसमें ले जाना है, क्विक ऑपरेशन। और दूसरा ये है जो कम्युनिकेशन वॉरफेयर, सही। और तीसरा जो एरिया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो अपनी फास्ट कर रहे हैं। अब कश्मीर में जैसे उन्होंने पूरी डंपिंग कंप्लीट कर ली है, उन्होंने 11 लाख के करीब लोग ला के
सेटल करा दिए हैं एक्स आर्मी बॉर्डर्स के साथ साथ, दे आर क्रिएटिंग ए बेल्ट एंड सिमिलरली दे आर वर्किंग ए वेरी सिनिस्टर मूव उन्होंने किया है, वो विद इन इंडिया है बट इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट पाकिस्तान. वो ये किया है कि दे आर गोइंग टू मार्जिनलाइज द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया बाय वे ऑफ नॉट थ्रेटनिंग देम बट बाय ब्रिंगिंग देम इन देयर फोल्ड विद लव एंड अफेक्शन. बट अगेन ब्रिगेड सर, मकसद वही है टू मार्जिनलाइज देम. सर एग्रीड, आपने सारी जो बात है कि मैं उससे किसी भी तौर पे कह नहीं सकता कि इख्तलाफ करूं, लेकिन इतना सब कुछ इंडिया कर रहा है हम जानते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे पॉलिटिशियंस को ये सब नहीं दिख रहा. व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग इसके रिस्पांस में ये है कि सबको पता है, सबको पता है, बड़े बड़े अकलमंद लोग हैं, एवरीबॉडी नोज इट, लेकिन हम अपनी इन फाइटिंग सर हम किस मतलब हमने क्या रिस्पांस किया. हमारे यहाँ आटे की बहस है, हमारे यहाँ बिजली की बहस है, हमारे यहाँ गैस की बहस है. सर देखे मनीर साहब, अगर आप फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर पढ़े तो जो उस वक्त के अवामल थे वही आज भी उसी तरह है. स्पेन वाला मैंने फॉल कंटिन्यू है. मैंने 14 अगस्त का एक आर्टिकल लिखा था. आई सेड वी आर नॉट 14 अगस्त को पाकिस्तान नहीं बना. मेरा थीसिस ये है कि पाकिस्तान इट वॉज री इमरजेंस ऑफ मुस्लिम रूल इंडिया. अगर आप ये ना होता तो हम मुसलमान खत्म हो चुके होते. देयर वुड हैव बीन नो ईस्ट पाकिस्तान, देयर वुड हैव बीन नो वेस्ट पाकिस्तान, मुसलमान खत्म होके मर्ज हो जा चुके हो चुके. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. देर आर टू स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कंट्रीज ऑन दी बोथ फ्लैंक्स ऑफ इंडिया जो उनको परेशानी है. नाथी साहब, आर वी होस्टेज ऑफ सम इलीट फैमिलीज जो इस वक्त हमें पूरे मुल्क को होस्टेज किया हुआ है, क्योंकि इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही है जो हमारे एनिमीज की तरफ से हो रही है. एक्चुअली वी आर डूइंग नथिंग अपेरेंटली. आई नो बैकडोर से बहुत कुछ हो रहा होगा. देर आर सो मेनी ब्रिलियंट ब्रेन्स इन पाकिस्तान जो इस सब के लिए अपने तौर पर बहुत कुछ कर रहे हैं, इदारे भी कर रहे होंगे, लेकिन सॉरी टू से ये जो 4-6 खानदान हमें अपेरेंटली पाकिस्तान पे रूल करते हुए सालों साल से नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा. सर हम बेसिकली ये जो 2% अशराफी है ना इस मुल्क का, उसी के गुलाम हैं हम. हम पे ना अमेरिका काबिज़ होना चाहता है, ना हम पे कोई और काबिज़ होना चाहता है. हम पे ये जो अशराफी है ना, ये काबिज़ हुआ हुआ है और ये हमें जो है वो बेवकूफ़ बना रहा है. अभी हम डॉलर की तरफ निकल जाएंगे, मैं जाना नहीं चाहता उस तरफ, बट ये डॉलर का जो सर ना जाए, डॉलर को सिर्फ डार साहब का एक तैयार है उसके प्राप्त और मैं जा नहीं सकते. तो वो वखेड़ा भी इनका ही है, इनका ही डाला हुआ है, ठीक है ना. वो इशू नहीं है जिस जो इशूज हमें पोर्ट्रे किए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, डराया जा रहा है, समझाया जा रहा है. मैं अभी ब्रिगेड साहब बात करते, बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की, मैं उस पर थोड़ा सा कॉमेंट करूंगा. एक ओल्ड स्ट्रेटेजिक टैक्टिक है मिलिट्री की, जिसे ब्लिट्सक्रिग कहते हैं सर, मैं अगर नाम सही ले रहा हूँ. उसमें वो स्टेप वन एंड स्टेप टू, वो पेनिट्रेशन एंड देन वो इनसर्कल करते हैं. तो ये बेसिकली इन्होंने, ये हमारे साथ यही हो रहा है, इन्होंने हमारे दिमागों को जो है उनमें पेनिट्रेट करके हमें पोलराइज कर दिया, हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया, हमें जो है सर, सब उन्होंने क्या, हमने क्या डीमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि मिलिट्री भी डीमोरलाइज हो जाए, बॉर्डर्स हमारे वीक हो जाएं, पेनिट्रेशन जो है वो आसान हो जाए और फिर वो हमें इंसर्कल करके फिर जो है वो हमें बनाएंगे और हम बनेंगे और हम अंदर तो ऐसे ही बन रहे हैं. सर व्हाट्स द वे आउट? ब्रिगेड साहब ने कहा इलेक्शंस कुड बी द वे आउट, एटलीस्ट इस वक्त जो टर्मोइल है उसको काउंटर करने के. देखिए इलेक्शंस, यस इलेक्शंस एन स्टेबल गवर्नमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट. जी ब्रिगेड साहब गलत तो नहीं कह रहा मैं, इलेक्शन इज ए वे फॉरवर्ड. वे फॉरवर्ड हाँ, उसके अंदर बहुत सारी चीजें और आ जाती हैं, लेकिन पॉइंट ये है ना कि आपको एक कोर्स ऑफ एक्शन नजर आना चाहिए कि ये हमने करना है. अभी तो हम इन लिम्बो है सर. अभी तो एक ही काम करना है कि मियां साहब आएंगे, तकदीर बदल देंगे. फिलहाल जो आज देखिए, हमें इस मियां साहब से, भुट्टो साहब से, खान साहब के इस जो है ना बखेड़े से आप निकले, आवाम को शऊर अब जो है वो कर लेना चाहिए, बाशऊर हो जाना चाहिए. बहुत पोलराइजेशन हो गई, आवाम अपने आप को खुद मार रही है इन किसी ना किसी के पीछे खड़े होके. हम जब तक इनके पीछे खड़े रहेंगे, इनको हम पावर देते रहेंगे, ये हमें लूटते रहेंगे, हमें खाते रहेंगे. मैं अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ. मैं मौलाना फजल रहमान से लेकर इमरान खान तक की सबकी बात कर रहा हूँ, जिसमें बेनज़ीर भी है, जिसमें भुट्टो खानदान भी है, जिसमें शरीफ खानदान भी, ईच एंड एवरी वन
अवाम को स्टैंड देना पड़ेगा जो इन लोगों को मजबूर करें कि ये कोई अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाए, कोई स्ट्रेटेजी बनाए, मुल्क को कहां से निकालना है, कैसे निकालना है, होने चाहिए, टाइमली होने चाहिए, इलेक्शन तो डेफिनेटली होने चाहिए, उसका तो कोई सवाल नहीं। बट गवर्नमेंट के इलेक्शन डिले, देखिए 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 ना, जब सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना जिसमें ये भी एक मिलिट्री उसमें की जी, जब ऑफेंस ऑल आउट ऑफेंस स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसमें जो कमांडर होता है उसको चेंज नहीं किया जाता, क्योंकि वो उस वक्त सिचुएशन को अपने तौर पे समझ चुका होता है कि कहाँ से पेनेट्रेशन हो रही है, कहाँ से बमबारी हो रही है, कहाँ उनका इन्फेंट्री ब्रिगेड बैठा हुआ है, कहाँ से उन्होंने आर्मर को जो है इन करना है, तो वो अब वो अहल है ना अहल है, बट उसकी वहां पे मौजूद अगर उसको हटाएंगे तो वो एक नुकसान देगा। ब्रिगेड साहब की मुस्कुराहट कुछ और, कमांडर्स भी चेंज होते हैं सर, एक नायक कमांडर के वक्त के आई गिव यू थ्री एग्जांपल्स, सम टाइम ए चेंज इज गुड, सम टाइम द चेंज इज बैड। लीबिया में जब जर्मन फोर्सेस वर in the positive attack side pe thi and they were conquering all, they came right up to Egypt, to Montgomery ko laya gaya, yes, change of command, Rommel ko hata diya tha, Rommel went to Germany, dusra change of command Korea mein hua tha, MacArthur ko laya gaya, sahi, teesra change of command hua tha at the time of invasion of Germany, wahan pe usko Eisenhower को और Montgomery को लाया गया था। तो चेंज ऑफ कमांड यहाँ पे खराब, हमारे यहाँ चेंज ऑफ कमांड हमारे यहाँ चेंज ऑफ कमांड एक दफा हुई थी जब वी वर गोइंग टू कैप्चर अपना जम्मू एंड मूव टुवर्ड्स श्रीनगर, अमेरिकन्स केम इन, दे पुट देयर फुट डाउन, वी चेंज द कमांडर, याया साहब को लाए, याया साहब को लाए, वो ऑपरेशन रुक गया, और वी लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, वी लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, एंड इस वक्त भी एक्चुअली वी लूजिंग द अपॉर्चुनिटी। प्रोग्राम का क्योंकि वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा है, बातें बहुत सारी करनी है लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि जो इस वक्त पाकिस्तान इस वक्त सिचुएशन है, करंट सिनेरियो की बात की जाए, एक्चुअली नथिंग इज हैपनिंग गुड, और अगर कोई गुड सिग्नल्स नहीं है, अगर कुछ अच्छी खबरें निकल के सामने नहीं आ रही, तो इट्स अ हाई टाइम फॉर गवर्नमेंट टू थिंक कि आगे क्या करना है। अगर मामला नहीं संभल रहे तो एक फ्रेश मैंडेट की तरफ जाया जा सकता है, जात की और अना की जंग से बाहर होके बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तान का फैसला करना है, एक मुस्तकबिल, एक बेहतर मुस्तकबिल, एक पाकिस्तानी का, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, ये हम सब की जरूरत है। और अगर पाकिस्तान है तो फिर सियासत भी हो जाएगी, दीगर मामला भी हो जाएंगे, लेकिन अगर आज इसको किसी तौर पर हमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, जो कि ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, यकीन जाने ये वक्त वापस नहीं आएगा। एंड फिर तारीख में जिस अंदाज से आपके बारे में, आपके खानदानों के बारे में जो कुछ लिखा जाएगा, वो आप इसके बाद कभी फरामोश कर नहीं सकेंगे। और जो इस गुमान में बैठे हैं कि पाकिस्तान को किसी तौर पे इस तरह के दलदल में धकेल के उनकी बाहर की जो आमाज गायें हैं वो ऊपर उधर वहां पे अपनी जन्नत के मजे ले सकते हैं, यकीन जाने अगर इस मुल्क को कुछ हो गया तो बाहर भी आपको कोई पनाह ना मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा, अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।